ऐसे उठता था तो चला भी जाता था मेरे से, ऐसे यहीं पे बैठ जाता नीचे। ठीक है, और अब मैं कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं होती, झुको ये देखो झुक सकता हूँ, ऐसे कैसे भी करो नहीं, मेरे तो यहाँ से इतना झुकते ही पैरों में दर्द एटी तक जाता था मेरे से, कमर और पैरों में इतना दर्द होता था कि बस रोना आता था मेरे को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय हीरोज हेल्थ पे। दोस्तों आज के टाइम में जो स्लिप डिस्क सर्वाइकल की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर कोई बंदा परेशान है, लगभग 3-4 में से एक या दो को तो ये समस्या मिल ही जाती है। तो ऐसे में क्या करें, कहां जाएं, किसी को कुछ पता नहीं है, दवाइयां लेकर आप परेशान हो चुके हैं और उसके बावजूद भी आपकी इस परेशानी का हल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। दोस्तों आज हमारे साथ मेरे भाई जुड़े हैं जो कि इसी समस्या से काफी दिनों से परेशान थे। कब से परेशान थे, क्या किया, कहां कहां गए और कैसे इनका ट्रीटमेंट हुआ, अब इनकी हालत कैसी है, कहां ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सारी बातें इनसे विस्तार में करेंगे। तो आप आराम से वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपको ये समस्या है तो कहां जाएं और क्या करें। तो भाई पहले मैं जैसे बैठता था हाँ, तो ऐसे पीछे हाथ करके और ऐसे पैर मेरे रहते थे, सीधे नहीं होते थे पैर, कभी नहीं हुए मेरे पैर, यहाँ से खिंचावट होता पैरों में। ओके, और ऐसे करके बैठना पड़ता था बगैर पीछे सपोर्ट के, मैं बैठ नहीं सकता। अब मेरे पैर देखो सीधे हो रहे हैं, मैं ऐसे भी हो सकता हूँ, कैसे भी कुछ कर लो, ऐसे उठो। अच्छा, पूरा लेट सकते हैं भाई अब ये, है ना? पहले मैं सिर्फ लेटा लेटा रहता था, तो यहाँ से ऐसे उठता था तो चला भी जाता था मेरे से, ऐसे यहीं पे बैठ जाता नीचे। ठीक है, और अब मैं कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं होती, झुको ये देखो झुक सकता हूँ, ऐसे कैसे भी करो नहीं, मेरे तो यहाँ से इतना झुकते ही पैरों में दर्द एटी तक जाता था मेरे से, कमर और पैरों में इतना दर्द होता था कि बस रोना आता था मेरे को। पैर भी सीधे नहीं होते थे? तो बिल्कुल सीधे नहीं होते पैर मेरे, मुड़े ही रहते थे हमेशा, ऐसे ही थोड़े बैंड रहते पैर, कभी ऐसे सीधे नहीं होते, या तकिया लगा के और पीछे कमर दीवार के लगा के तकिया लगा के फिर खाना खाता था। और अब पैर भी सीधे हो जाते हैं, कमर भी बैठता हूँ, पलाती मारता हूँ, कैसे भी घूमता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को। तो आपको कोई अगर कुछ एतबार नहीं हो रहा तो मेरा नंबर लिख लो बेसन, मेरे बात करना किसी टाइम भी, 93064-45223 ये मेरा नंबर है, आप मेरे से पूछ सकते हो, आप बता सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बारे में, देख सकते हो मेरी कंडीशन। और पहले तो ये ऐसे बैठता रहता था, यहाँ से बस ऐसे बैठता, यहाँ तकिया लगाता, दो तीन पीछे लगाता, फिर ऐसे बैठ के खाना खाता था, और अब तो कैसे ही बैठो कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को। और भाई आपकी जो पहले कंडीशन थी वो आपके आसपास वालों को भी पता होगी? बिल्कुल पता है, किसी से बात करना, आप मेरे गांव में आना, किसी से बात कर लेना, पूछ लेना। एक बार भाई अपना नाम, गांव और फोन नंबर और दे दे, फिर भी किसी भाई को कोई डाउट हो तो फिर भी आपसे कॉन्टेक्ट कर ले। रूप सिंह, गाँव चनत, जिला हिसार, और मेरा मोबाइल नंबर है 93064-45223। तो भाई आपने कहीं जैसे ये सहायक पद्धति होती है जैसे फिजियोथेरेपी की जो होते हैं, जैसे गिलास कप लगवाना या झटका लगवाना, ऐसा भी कुछ करवाया था? बिल्कुल करवाया भाई, सारे मेरे मैंने करवाया था, ये मेरे दोनों पैरों पे कमर पे गिलास लगवाए थे, उसे काफी दिन तक मेरे निशान रहे थे और उनका दर्द भी बहुत था। अच्छा, फिर उससे कुछ आराम मिला? उससे आराम नहीं, मेरा दर्द ही बता उससे। ओके, आराम नहीं मिला था, फिजियोथेरेपी करवाई थी मैंने, दो तीन दिन इलाज करवाया था, बाकी मैंने बाद में करवाई नहीं, उसे दर्द बढ़ गया, मेरे को आराम नहीं मिला। ठीक है, और कहीं झटके वगैरह भी कहीं बता देते हैं कि भाई वहां जाओ वो झटका मारता है या फिर? नहीं, ये तो पंजाब में और एक मैम के पास ही गांव कोई, वहां भी मैंने करवाया था ये, उसने भी काफी टाइम तक मेरा इलाज चलवाया, उससे कोई आराम नहीं मिला था, वो पट्टी वट्टी करवा कर देते हैं उससे और मालिश बताते थे वो, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? आराम नहीं मिला। यहाँ आपको किसी ने कोई दवाई वगैरह दी? नहीं, या कोई दवाई नहीं, बस सिर्फ आप डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, तेल की मालिश करते हैं, अपने हाथों से ही करते हैं। अच्छा, हाथों से ही नस को सेट करके और कोई दवाई पानी से नहीं करते आप? ओके, तो भाई पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। राम राम। राम राम भाई। भाई राम राम भाई, हमारे जितने भी देखने वाले हैं तो इनको सभी को किसी ना किसी के घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में किसी को स्लिप डिस्क की है, किसी को जॉइंट पेन की समस्या है। आजकल ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हमारे घर में नहीं है तो हमारे आसपास किसी घर में या किसी रिश्तेदारी में तो मिल ही जाती है, क्योंकि आजकल खान पीन ऐसा हो गया है। दूसरा,
हमारा जैसे गाड़ियों में चलते हैं, ट्रैक्टर वगैरह में चलते हैं, बाइक पर चलते हैं, तो ऐसे में ये झटके लगना आम बात है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक बार आप अपना नाम बता दीजिए, आप हमारे दर्शकों को कहां से हैं और क्या करते हैं ये एक बार बता दीजिए, फिर उसके बाद हम आपसे विस्तार से जानेंगे। मेरा नाम है अनूप सिंह, गांव चानक जिला हिसार। मेरे को ये कमर की दिक्कत काफी साल से है, लगभग 3 से ज्यादा साल हो गए हैं, और मैंने जगह जगह बहुत जगह दिखाया इसको, डॉक्टर के पास भी, कोई देसी भी, मैंने हिसार, हांसी, बरवाड़ा, पंजाब में भी दिखाया है, मेरा कोई आराम नहीं मिला। दवाई चलती, थोड़ा बहुत आराम होता, वापिस हो जाता, तो मैं बैठ भी रहता, ना उठ सकता था, ना कहीं बैठ सकता था, ना बाइक चला सकता, ना ट्रैक्टर चला सकता, ना गाड़ी चला सकता, मेरे चला भी बहुत मुश्किल से चला जाता था, तो मेरे लंबी दिक्कत चली, और मेरे दोनों पैरों में, कमर में दिक्कत रहती थी। मैं जो परिवार में है एक ताऊ जी, उसने आपका एड्रेस दिया मेरे को, उन्होंने बताया कि मैंने वहां से इलाज करवाया और मेरे से चला, वैसे बैठ नहीं जा सका। तो उन्होंने आपको क्या बताया कि आप कहां जाओ? उन्होंने बोला कि एक भिवानी है चौधरी पृथ्वी प्राकृतिक चिकित्सालय, चौधरी प्राकृतिक चिकित्सालय जी, हाँ, वो उन्होंने बताया कि वहां मैं गया था, उन्होंने मेरे को 15 दिन ट्रीटमेंट दिया, वहीं मैं रहता था, वहीं मेरे को खाना देते, बहुत अच्छा खाना देते, बहुत अच्छा उनका व्यवहार था, उन्होंने अच्छा इलाज किया, मेरे को बहुत आराम मिला। उनको कम से कम हो गए होंगे 4 साल, उनको दोबारा दर्द नहीं हो सका, तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा, उन्होंने मेरा चेकअप किया, उन्होंने बताया कि मेरे को ये तकलीफ है कि मेरे L4, L5, L3 में और S1 में दिक्कत है। यहाँ से मैं यहाँ 15 दिन से इलाज ले रहा हूँ, मेरे को काफ़ी आराम है, बहुत आराम है। अब मैं 2-3 किलोमीटर पैदल जाता हूँ, वापिस आता हूँ, वह उठता बैठता हूँ, अपने कपड़े बर्तन साफ करता, जैसे कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले आपने दवाइयां वगैरह ले ली होंगी हॉस्पिटलों में? अच्छा, आजकल लोग बहुत कि ऑपरेशन वगैरह के बारे में भी सलाह देते हैं, तो आपने, आपको भी किसी ने सलाह दी होगी कि ऑपरेशन करवाओ या फिर? हाँ, इस बारे में एक डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं इस साल, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया 2 महीने तक, मेरे को आराम नहीं मिला, उन्होंने बोला कि यहाँ एडमिट हो जाओ और देखते हैं एडमिट से आपको आराम मिलेगा या फिर ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं, तो मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। फिर जो आपके ताऊ जी थे उन्होंने बताया कि एक बार वहां पर भी आप जाके ट्राई कर लो, और अब आपको आराम मिल चुका है काफी हद तक। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो आपको 100 में से कितने परसेंट आराम मिल गया? मेरे को करीब करीब 90% आराम मिला है। 90% आपको आराम मिल गया है, यानी कि लगभग ये ठीक हो ही चुके हैं। ठीक हो चुके हैं, डॉक्टर साहब ने बोला है कि 15 दिन और आपका घर पे इलाज चलेगा, उससे आपको 100% आराम मिलेगा। मेरे को पूरा एतबार है इस चीज पे कि मेरे को 100% आराम होगा। तो अभी आपको क्या दिक्कत बताई, जो आपकी मेन प्रॉब्लम थी वो क्या बताई है कि आपको कहां क्या दिक्कत है? मेरे को प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर साहब ने, L5 और L4 में मेरी नस दबी हुई है। ओके, हां, तो अभी आपने सारी दवाइयां ले चुकी, अभी आपको यहां आराम है, तो आपने कहीं प्रचार वगैरह देखा या कुछ ऐसा देखा, या फिर जो ताऊ जी ने बताया उन्हीं के कहने पर आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने बोल दिया हो कि हाँ मैं भी ठीक होके आया? आपके ताऊ जी खुद ठीक होके गए थे यहाँ से? खुद ताऊ जी ठीक होके गए हैं, वो हमारे परिवार में, उन्होंने मेरे को एतबार दिया, मैं वहां से आया, मैंने काफी जगह पे देखा है, काफी जगह पे इलाज करवाया, कोई आराम नहीं मिलता मेरे को। तो दोस्तों, ये हमारे भाई हमारे साथ जुड़े थे, ये अपनी आप बीती खुद बता रहे हैं कि कैसे 3 सालों से परेशान थे, फिर बाद में इनके जो ताऊ जी हैं वो यहाँ ट्रीटमेंट लेकर गए थे, और 4 साल हो चुके इनके ताऊ जी को, अब तक ये समस्या दोबारा नहीं हुई। आसपास के जितने भी हॉस्पिटल वगैरह थे ये जा चुके हैं, वहां से इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, दवाइयां खा ली, लेकिन दवाइयों से कुछ भी आराम नहीं हुआ। एक टाइम तक दवाइयों से आराम होता है, मिलता है, लेकिन उसके बाद ये दवाइयां काम करना बंद कर जाती हैं। तो ऐसे में फिर लास्ट जो ऑप्शन आता है वो होता है ऑपरेशन का, और ऑपरेशन में भी किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती कि आप ठीक हो ही जाओगे। अगर ज्यादा से ज्यादा आपका लक अच्छा हुआ तो 6-5 साल तक आप ओके रहोगे, उसके बाद ये समस्या दोबारा फिर हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर हमारा भाई ठीक हुआ है, यहां से ट्रीटमेंट लिया है, तो आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है, समस्या है, तो एक बार आप विजिट जरूर करें। हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जगदीश ग्रेवाल जी, उनके कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप एक बार कॉन्टेक्ट करें,
आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, उनसे अच्छे से डिस्कस करें, संतुष्टि होने के बाद आप आ सकते हैं। ये वीडियो किसी प्रकार का ना कोई पेड है भाई, एक बार ये भी बता दो, क्योंकि लोगों को कई बार ये होता है कि यार पैसे देकर या वैसे करवाया होगा। नहीं, ये यहाँ भाई ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मैं ट्रीटमेंट 15 दिन से ले रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को कोई उस बारे में नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं दिया गया है, मैं यहाँ ट्रीटमेंट लेता हूँ, मेरे को आराम हुआ है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी आइए और अपना कमर में दिक्कत है, पैरों में दिक्कत है, तो आपको इलाज दीजिए। बिल्कुल भाई, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों ये होता कि आजकल लोग काफी फेक एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हमने भी अब तक कोई एडवर्टाइजमेंट यहाँ नहीं किया था, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने, लेकिन अब आजकल का टाइम ऐसा आ चुका है कि ये चीजें आप लोगों तक अगर पहुंचना है तो सोशल मीडिया पर तो आना ही पड़ेगा। तो हमने एक शुरुआत की है, ये हमारे भाई हैं, ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो इन्हीं से शुरुआत की है कि आपके सामने आया जाए और आपको भी पता लगे कि कहां पर इस समस्या का कैसे जो इलाज है वो किया जाता है। तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर करें, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करेंगे। और दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन वीडियो और भी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, और भी जो पेशेंट आएंगे उनसे भी आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर ये समस्या है तो आप बेझिझक होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जैसा कि भाई ने बताया कि ये इनको अच्छा लग रहा है, इनका जो 90% हो चुका है ट्रीटमेंट यहाँ का, तो आपका भी होगा, आप भी ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक देखते रहिए।